उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर रचनाकार मोये ने अवैध निर्माणों के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। राष्ट्र विधानमंडल ने विंटर अधिवेशन में 2022 के बिल नंबर 35 अनधिकृत बांधकाम नियमित करने के लिए जो अधिनियम था 2006 का, उसमें कुछ सुधारणा किया है, जिसमें प्रमुख सुधारणा है कि FSI में उन्होंने 4 से 6.4 तक बढ़ोतरी किया है और कंपाउंडिंग चार्जेस जो पहले मार्केट रेट वाले रेट पे थे और उसका सर्टन परसेंटेज थे, अभी 2200 रुपये फ्लैट ही किए। मैंने आपको ये सब आप सब जानते हैं। अभी ये अधिनियम के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं, ये फैसे बिल्डिंग का एरिया कैलकुलेशन करने का सिस्टम, ये फायर कॉम्प्लायंस कंपलसरी है, आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अगर बिल्डिंग नहीं रहेगी तो डायलेबेटेड बिल्डिंग और जो डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर करेंगे उसमें FSI प्रोटेक्ट करने के एक तत्व दिया है, और वो जो FSI आपका जो प्रोटेक्ट होगा उतना FSI आपको बेसिक FSI बोल के रिडेवलपमेंट के लिए परमिसेबल रहेगा, ऐसी प्रोविजन्स है। इस बारे में माननीय गगरानी साहब ने अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के, उन्होंने माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव करीन साहब के और आयुक्त साहब के और कलेक्टर साहब के उपस्थिति में एक निर्णय लिया, एक मीटिंग लिया पिछले हफ्ते। उस मीटिंग के हिसाब से हम लोगों ने उन्होंने रेगुलेशन का एप्लीकेशन और कार्यवाही जोरों से करने की और ये शुरू किया है। कॉरपोरेशन ने वैसे पब्लिकेशन किया है वार्ड ऑफिस में और महापालिका नोटिस बोर्ड में और मेरे ऑफिस के पास में, और हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप है कोई भी चीज़ का कि उसमें हम लोग लोगों से ऑफलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं। ये एप्लीकेशन प्रोफार्मा बी और प्रोफार्मा सी ये दो टाइप में रहेंगे। इस वो जो एप्लीकेशन करेगा वो आर्किटेक्ट से उसका सिटी प्लान बना के उसका पी लाइन के हिसाब से बिल्टअप एरिया निकाल के देगा, उसके ऊपर जो आवश्यक छानेवाई हो के होने के बाद और उसके ऊपर जो अगर गवर्नमेंट लैंड उसमें रहेगी तो ही उसमें गवर्नमेंट लैंड के ऑक्यूपेंसी प्राइस भरने के बाद रेगुलेशन हो जाएगा। इसकी फर्स्ट जो टप्पा है इसका ये है एप्लीकेशन सबमिट करना, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन पोर्टल का भी अनुसरण करने वाले हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो लोगों के घर सोए न हुए उनकी सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने अभी ऑफलाइन एप्लीकेशन लेने का डिसीजन आयुक्त साहब ने लिया है, और वो आपको बताने के लिए साहब ने मुझे प्रेस वालों से बुला के वार्ता करने के लिए बोला है। तो मैं साहब के आदेश के हिसाब से ऐसा घोषित करता हूँ कि ये हफ्ते से आप उल्लासनगर शहर के जो निवासी है, जो बिल्डर्स है, जो अनधिकृत झोपड़पट्टी धारक है, अनधिकृत बांधकाम धारक है, वो हमारे नगर रचना विभाग में एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन की एक टाइम सीमा रहेगी, अभी वो निश्चित करेंगे आयुक्त साहब, उस सीमा तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जब हमारा चालू होगा तो ऑनलाइन पोर्टल में भी उसमें भी अपने को टाइम देना पड़ेगा, तो उसके पहले ऑफलाइन करना ज़रूरी है। और मेरा आप सबसे आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि उल्लासनगर शहर में जो डेंजरस बिल्डिंग का जो इशू है और जो पुरानी बिल्डिंग होती जा रही है, तो ये निकालने के लिए उसका रिडेवलपमेंट और रेगुलेशन कंपलसरी है। तो रेगुलेशन करने की उसका पहला स्टार्ट है रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलाइज अगर आप नहीं करोगे तो रिडेवलपमेंट नहीं होगा। रिडेवलपमेंट परमिशन के लिए स्ट्रक्चर ऑथराइज होना ज़रूरी होता है, तो स्ट्रक्चर ऑथराइज करने के लिए आपको रेगुलेशन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे विनंती करूँगा और मेरे प्रेस वाले मित्रों से भी विनंती करूँगा कि आयुक्त साहब का ये जो संदेश है कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन डालना शुरू कीजिए, ये आप अगर सब तक सर जनसामान्य तक अगर आप पहुँचाओगे तो उससे शहर का भी भला होगा और कॉरपोरेशन का भी कंपाउंडिंग चार्जेस के हिसाब से वसूल बढ़ेगा, तो महसूल बढ़ेगा, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रोड वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे नम्र विनती है कि आप सब लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन लेना चालू किया है कॉरपोरेशन ने, ये मैसेज, और आयुक्त साहब का रिक्वेस्ट कि आप सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन डालना चालू कीजिए। नगर रचना विभाग में आपको इसके लिए जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो मिलेगा, जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। सर एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा और इसका मतलब? एप्लीकेशन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुका है, चाहिए तो मेरे पास प्रोफार्मा है, वो भी मेरे ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। और क्या कहा आपने? डॉक्यूमेंट उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक तो आपका आर्किटेक्ट का प्लान रहेगा, जो आर्किटेक्ट प्लान आपका सर्वे करके आपने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसमें आपका स्ट्रक्चर कहाँ है, उसका एग्जिस्टिंग एरिया कितना है पी लाइन के हिसाब से वो रहेगा। अगर आपके पास सनद है, PR कार्ड है,
क्योंकि काफ़ी ऐसे हो सकता है कि हर कोई प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसकी मालकी है मगर उसने परमिशन लिए बिना या परमिशन से ज़्यादा बनाया हुआ है। तीन केस है अपने पास, एक तो जो परमिशन टोटल उसकी मालकी है, परमिशन लिया है मगर ज़्यादा काम किया है, एक है कि मालिकी उसकी है मगर उसने विदाउट परमिशन बांध काम किया है, और एक केस है कि जिसमें मालकी भी नहीं है उसकी और विदाउट परमिशन भी बांध काम किया है। तो ये तीनों केस में रेगुलेशन आपको मदद करेगा। डीफॉर्म ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्ट्रक्चर ऑथोराइज रहने का पुरावा माना जाएगा, तो इसलिए ये काफ़ी सारा वैध और लीगल डॉक्यूमेंट है जो शहर के पुनर्विकास के लिए और उसी हिसाब से शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए काम आएगा। सर इतनी बड़ी प्रक्रिया है पर होने वाली, इसके लिए अपना स्टाफ भी बहुत मतलब कम है, इसके कैसा क्या हुआ है? हमने शासन में हमने स्टाफ मांगा है एक वार्ड में टेक्निकल ऑफिसर्स और क्लरिकल स्टाफ जो है और सिटी सर्वे वाले वगैरह मेजरमेंट वाले जो है वो कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या अपने ह्यूमन रिसोर्सेस में करेगी। गवर्नमेंट से वैसे इंतज़ार है, आप जैसे कह रहे हो कि स्टाफ यहाँ कम है तो वो वस्तु स्थिति है क्योंकि कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर्स जो है इंजीनियर्स अपने रिटायर होने की वजह से काफ़ी कम इंजीनियर्स है। मेरे पास आज की तारीख में एक इंजीनियर है मेरे पास जो कि 5 पोस्ट है और तंत्र समिति में आज की तारीख में कोई भी तांत्रिक अधिकारी नहीं है, मगर हम लोग फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन करना है उसके लिए हमारे पास क्लरिकल स्टाफ अवेलेबल है, एडिशनल का स्टाफ देने का भी मुझे कमिश्नर साहब ने वादा किया है, हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल टाउन प्लानिंग नगर रचना विभाग से नगर विकास विभाग से स्टाफ देने के लिए कार्रवाई हो रही है। सर ऑफलाइन फॉर्म कहाँ जमा करना है? ऑफलाइन फॉर्म हमारे तंत्र समिति के कार्यालय में जमा करना है, मुख्यालय सिस्टम नहीं है अपने पास, उसका सेल भी हम लोग बना रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहेगा और स्टाफ बैठेगा, तो वो जगह भी हमने चयन किया है, 2 जगह मैंने साहब को सुझाव दिया है, तो वो जैसे वो चयन फाइनल हो जाएगा तो वो भी हम लोग घोषित करेंगे। फिलहाल तो आज की तारीख में जो एप्लीकेशन लेना है आपने वो महापालिका मुख्यालय में तंत्र समिति का जो कार्यालय है वहाँ आप कर सकते हैं और नगर रचना विभाग में आइए, मेरा पूरा स्टाफ और तंत्र समिति की जो मेरे पास स्टाफ है वो सब आपको मदद करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी मेरे पास आ सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।